मनावटों की मार्ग पर ग्रामीणों व किसानों ने चक्का जाम कर दिया। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के वाहन रोड पर खड़े होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं व किसानों को अपने खेतों में जाने के लिए परेशानी होती है, जिसे लेकर चक्का जाम कर दिया गया। थाना मनावर पुलिस मौके पर पहुंची और समझा समझाइश के बाद चक्का जाम खुलवाया गया। मनावर थाना अंतर्गत ग्राम टोकी में बनी अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के लंबे वाहन रोड पर खड़े कर देने के कारण मनावर उमरबंद मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इन ट्रालों के कारण आए दिन होते हैं हादसे। हादसे में कई लोगों की जान भी जा चुके हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों एवं किसानों ने मनावर के टोकी फाटे पर चक्का जाम कर दिया। मनावर पुलिस मौके पर पहुंची और समझा समझाइश के दो घंटे के बाद चक्का जाम खुलवाया गया। वो लोगों ने मौके पर ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस रोड पर खड़े छह वाहनों को थाने ले गई। ग्रामीणों का कहना है कि रोड पर वाहन खड़े होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं, वही कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। राहगीरों को निकलने भी नहीं दिया जाता, परेशानियां तो होती ही हैं, साथ में किसानों को खेतों में जाने के लिए भी परेशानी होती है, जो कि रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इसे लेकर वाहन चालकों द्वारा किसानों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। मैं संचालक वेदांत एकेडमी मनावर से। रोड पर जो है वो बहुत ही दयनीय कंडीशन हो रही है इन ट्रालों के कारण, अल्ट्राटेक के ट्रालों के कारण जो है वो हम काफ़ी परेशान है। दो तीन बार मेरी लाइट की केबल के कारण जो है लाइट की केबल इन ट्राले वालों ने तोड़ी, जिसके कारण जो है एक दिन मुझे अवकाश रखना पड़ा, क्योंकि लाइट और पानी की व्यवस्था उस दिन नहीं हो पाई थी, इसलिए जो है मुझे उस दिन अवकाश रखना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ट्राले वालों ने मेरी इलेक्ट्रिक केबल जो है वो डैमेज कर दी, दो तीन जगहों से तोड़ दी। इसकी शिकायत मैंने अभी तो नहीं की है, मैंने जो है अपने लेवल पे ही उनको समझाने की कोशिश की। इसके अलावा जो है वो गाड़ियां हमारे स्कूल मैदान के अंदर से भी टर्न करने लग गए हैं, जिसके लिए मैं कई बार उनको रोक चुका हूँ। रविंद्र पाटीदार। प्रतिदिन ये अल्ट्राटेक के ट्राले यहाँ पे रोड पे खड़े रहते हैं, जिससे किसानों को आने जाने में भारी दिक्कत होती है। बैलगाड़ी लेके जब किसान निकलता है तो उनको निकलने के लिए जगह नहीं रहती, और जब मजदूर उन्हें बोलते हैं साइड मांगने के लिए तो ये उनको डराते धमकाते हैं। इस कारण से आज चक्का जाम किया है। यहाँ से दो तीन स्कूल और मनावर की जितनी भी स्कूल के बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं, उनको भी आए दिन समस्या आती रहती है। न तो ये ट्राले वाले किसी को साइड देते हैं, न बच्चों को निकलने की जगह देते हैं। रोज परेशान होकर आज किसानों ने यह चक्का जाम किया है। नहीं, वो जाम नहीं है, उसमें क्या है कि कुछ ट्राले जो अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के ट्राले रोड के साइड में खड़े हो जाते हैं, चूँकि किसान लोगों का रास्ता भी वही है, तो उनको कहीं तकलीफ हुई होगी कि भाई ये रोड पे खड़े कर देते, इसी बात का विरोध उन्होंने किया है कि भाई ये रोड पे जो ट्राले हैं ये रोड पे खड़े न रहें, साइड में जो खड़े रहते हैं इनको इनका निर्धारित जहाँ स्थान है वहाँ खड़े करें। उनको समझाइश दे करके उन्होंने अपना एक पक्ष रखा था कि साहब ये जो ट्राले हैं ये गलत तरीके से खड़े होते हैं, तो उनमें जो जो ट्राले ऐसे पाए गए उनके खिलाफ मतलब कार्रवाई हुई है। चूँकि क्या है कि ये अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री आए, इसमें वाहनों की संख्या तो बड़ी है, तो जिस हिसाब से मतलब वाहन आ रहे हैं उस हिसाब से थोड़ी सी तकलीफ तो है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।